Hello students, standard 6, how are you all? I hope you doing drawing and in your drawing book very well, and you hope understand how to draw, right? Now we are starting today chapter number 3, page number 24, how to color. Second lesson में हमने how to draw सीखा था, right? अब यहाँ पे how to color. पहले है फ्लावर्स स्टेप बाय स्टेप, मतलब कि फ्लावर में आपको स्टेप बाय स्टेप वाटर कलर कैसे करना है. डिल्यूटेड वाटर, पहले उसको जब आप कंप्लीट कर लेते हो, व्हेन यू कंप्लीटेड द फ्लावर ड्राइंग, एट दैट टाइम अप्लाई लाइट टोन ऑफ द डिल्यूटेड वाटर कलर विथ अ राउंड ब्रश. राउंड ब्रश का यूज़ करके आपको डिल्यूटेड मीन्स लिक्विड फॉर्म में जो कलर आते हैं उसको मिक्स किया हुआ लाइट टोन यूज करना है. तो देखो यहाँ पे दिखाया भी है ना, देख रहे हो ना, ये वाला ये लाइट टोन है. फिर उसमें क्या किया है, नीचे भी लेमन येलो है, वो लाइट ही है, लेमन येलो है. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, आपको थोड़ा शेड करना है, डार्क शेड. देखो यहाँ पे ये सब डार्क शेड है ना, उसकी जितनी भी पंखुड़ियाँ है उसमें डार्क शेड है. लीफ में भी ग्रीन कलर का डार्क शेड दिया है. और उसके बाद थर्ड पिक्चर में फाइनल डार्क कलर लोटस में किया है ना. तो ये जो है कलर ऐसे करना है सेम. उसके बाजू में पेज नंबर 25 पे है रोज़, और उसके नीचे है सनफ्लावर. ओके, तो दोनों में आपको ऐसे ही पहले लाइट टोन का कलर करना है, फिर उसके ऊपर आपको सेम टेक्निक यूज़ करनी है और डार्क कलर के शेड करने हैं. फिर से मैं आपको बता रही हूँ कि अगर इफ़ यू डोंट हैव अ वाटर कलर एट दैट टाइम, नो वरीज, यू जस्ट डू विथ योर पेंसिल कलर ऑल्सो. ओके स्टूडेंट्स, अगर है वाटर कलर तो यूज़ करो, नहीं तो आप पेंसिल कलर से भी कलर कर सकते हो, उससे भी ये शेड दे सकते हो. लाइट शेड, लाइट पिंक यूज़ करो, फिर डार्क पिंक, थोड़ा रेडिश कलर, ऐसे आप शेडिंग कर सकते हो पेंसिल कलर से भी. तो ये आज का आपका होमवर्क है, कलर कैसे करना है मैंने बताया है. तो थैंक यू वेरी मच.